सरकार की बेरुखी पर आक्रोश जताते शिक्षाकर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांगों के साथ आज भी धरना स्थल पर डटे रहे। शासकीयकरण संविलियन संबंधित अन्य मांगों को लेकर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन आंदोलनरत शिक्षाकर्मी आम जनता को संकल्प पत्र बांटते नजर आए। शिक्षाकर्मियों के मुताबिक हड़ताल से परे वो स्कूल जाकर पढ़ाने के इच्छुक हैं, मगर सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से उनके पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवाय अब कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारी मांगे जो हैं, जगजाहिर है कि हम जो हैं अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जो है डटे हुए हैं। हमारी प्रथम जो मांग है वह शासकीयकरण सविलियन और सेवा में हस्तांतरण की मांग कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी मांग है क्रमत वेतन मान के है। तीसरी मांग जो है स्थानांतरण नीति से संबंधित है। चौथी मांग जो है हमारी पदोन्नति और प्रधान पाठक और प्राचार्य के मूल पदों पर जो है सविलियन पद स्थापना है। इसी तरीके से हमारी 9 मांगे हैं। इन 9 मांगों पर जो है हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पर डटे हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो उसके लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सर के साथ हैं। हम सब जब तक स्कूल नहीं जाएंगे जब तक कि सर हमारी मांगों को पूरी नहीं करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब अनुरोध करती हूँ कि हम भी स्कूल जाना चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पर स्कूल का नुकसान करके या बच्चों का नुकसान करके हम यहाँ पर हड़ताल करें। हमें भी बहुत दुख होता है, एग्ज़ाम का टाइम है, और हम सब दिल से चाहते हैं कि सर हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को पूरी करें। 21 साल से हम जो यहाँ पर डटे हुए हैं सारी चीज़ों को वो दे रहे हैं, तो सविलियन को क्यों नहीं दे रहे हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें ताकि हम जल्द से जल्द इस धरना स्थल से अपने स्कूल को जा सके और अपने बच्चों की पढ़ाई को बेहतर तरीके से करा सके। 2003 से पहले तो ये जो दिख रहा है आपको संकल्प पत्र 2003 से पहले का है, जिसका हम आज पूरे 140 विकास खंड मुख्यालय में धरना स्थल के माध्यम से सरकार के मंत्रियों को, विधायकों को, मीडिया के सम्माननीय साथियों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों को और समाज के हर वर्ग को वितरण कर रहे हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में नहीं थी तो इनका संकल्प था, इनका वचन था कि प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को शासकीय शिक्षा का दर्जा दिया जाएगा। उनको स्मरण दिलाया जा रहा है कि आपका ही वादा है, आपका ही वचन था, इसको आपको पूरा करना चाहिए, जबकि सरकार को इस वादा को पूरा करना चाहिए। इसके विपरीत सरकार दमन की राह पर चल पड़ी है, जिसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। सरकार अगर हमारे प्रदेश के शिक्षा कर्मियों के साथ दमन करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदेश के पूरे 1,80,000 शिक्षा कर्मियों को हम राजधानी में बुलाएंगे, यहीं पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, यहीं से आमरण अनशन, भूख हड़ताल और तरह तरह का आंदोलन हम और आंदोलन तेज करेंगे। गौरतलब है कि शिक्षा कर्मियों की हड़ताल का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा है। बात चाहे सरकार की हो या आंदोलनकारी शिक्षा कर्मियों की, जूझना इसमें बच्चों को भी पड़ रहा है। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन हुरीलाल के साथ अमित शर्मा, रायपुर।